Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing well. Today I will share with you how I spend my day in Havelock Island. So let's start. So last night हम लोग नील से आ चुके थे Havelock Island and इसका वीडियो मैंने चैनल पे डाल के रखा है. You can check this out. I will paste the link in the description box. So अर्ली मॉर्निंग हम लोग स्कूटी लेके आ गए थे काला पत्थर बीच, क्योंकि यहाँ से सनराइज बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है. यू कैन एंजॉय द व्यू. एंड हाँ, स्कूटी लेने के लिए आपको रात में ही स्कूटी रिंग करके रखना चाहिए, अदरवाइज यू विल लेट फॉर द सनराइज. आफ्टर दैट वी गो फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन एलिफेंट बीच. देयर आर टू वे टू रीच देयर. वन इज यू कैन टेक ए फेरी फ्रॉम द फेरी घाट एंड अनदर वन कि आप जंगल के तरफ से पूरा ट्रिप करके जाए. इफ़ यू टेक फेरी फ्रॉम द फेरी घाट इट कॉस्ट यू अराउंड 500 रुपीज़ पर पर्सन. एंड अगर आपको चल के जाना है जंगल के बीच से, जो मुझे बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लगा था, तो उसके लिए आपको गाड़ी पार्क करना है इस पर्टिकुलर स्पॉट में. एंड वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर के रास्ते है जो पूरा सेफ है, जंगल के बीच में है बट बहुत ही ज़्यादा सेफ है, वहाँ से जा सकते हैं. If you are planning to choose this way, then one suggestion, just carry water bottle with you and you are good to go. Cause रास्ता पूरा जंगल की तरफ से है, कोई दुकान तो नहीं मिलने वाला. And if you are want to take a guide with you, you can take that. Guide आपको स्कूटी जहाँ पर पार्क होता है वहीं से मिल जाएगा इजीली. ग्रुप गाइड विल चार्ज यू अराउंड 500 रुपीज़ पर ग्रुप, क्योंकि पूरा रास्ता जंगल के बीच में से है तो कहीं कहीं टूरिस्ट भटक भी जाता है, तो इसीलिए गाइड लेते हैं. बट हम लोग कोई गाइड नहीं लेते क्योंकि हम जब गए थे बहुत सारा टूरिस्ट थे, तो हम लोग इजीली बीच की तरफ पहुंच गए थे. एज यू कैन सी द बीच इज रियली ब्यूटीफुल. एंड यहाँ बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ के भी ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि ये बीच बहुत क्लीन है. Havelock में यहाँ पे ही वाटर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होता है. यू कैन डू स्कूबा डाइविंग, सी वॉक, जेट स्की, पैरासेलिंग, एवरीथिंग. एंड और भी बहुत सारा ऑप्शन है. मैं यहाँ पे जेट स्की किया था क्योंकि मैं पहले ही नील आइलैंड में स्कूबा करके आई थी. यहाँ पे भी स्कूबा का चार्ज ऑलमोस्ट सेम ही है, 500 रुपीज़ इधर उधर हो सकता है नील के हिसाब से. स्कूबा के सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो मैंने डाल के रखा है, यू कैन चेक दिस आउट टू. जेट स्की का प्राइस आया था 800 रुपीज़ पर पर्सन, जो बहुत ही इन्जॉय किया मैंने. As you can see, the place is really gorgeous. But the thing is, यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा रहता है. अंडमान में बेस्ट टाइम है विजिट करने का नवंबर टू फेब्रुअरी. हम लोग गए थे मार्च में, मार्च के एंड में ऑलमोस्ट. सो यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा था, तो ज़्यादा टाइम हम रुक भी नहीं पा रहे थे. आवर स्किन वॉज जस्ट बर्निंग एंड टैन तो आप देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा टैन हो गया था. एंड वहाँ पे 3-4 घंटे स्पेंड करने के बाद हम लोग वापस जा रहे थे वैसे सेम रास्ते से. बट जाने के टाइम पे जहाँ ऑलमोस्ट हमारे नी के ऊपर तक पानी था, वो जगह पूरा खाली हो गया था क्योंकि लो टाइड का टाइम हो गया था, तो पूरा रास्ता एकदम क्लियर था. बट इफ़ यू आर चूजिंग दैट वे, देन सम होने से पहले ही बेटर कि आप वापस आ जाइए. हम लोग भी अराउंड 3 to 4 PM के अंदर रिजॉर्ट में वापस आ गए थे. एंड यहाँ शाम के टाइम पे ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो जाता है, दुकान भी बंद हो जाता है, तो हम शाम के टाइम रिजॉर्ट में ही इंजॉय किए, यहाँ पे लंच किए. रिजॉर्ट भी बहुत सुंदर था, एज यू कैन सी प्राइवेट बीच भी यहाँ है. मैंने ये रिजॉर्ट यहाँ पे आके बुक किया था, बट यू कैन फाइंड दिस रिजॉर्ट ऑन MMT ऑल्सो. सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग कहीं प्लान नहीं किए थे, ऑलमोस्ट रिजॉर्ट में ही पूरा टाइम थे. बिकॉज इट्स अवर 6th डे इन अंडमान एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड थे हम लोग, बहुत ज़्यादा धूप भी था. सो हम लोग सुबह के टाइम रिजॉर्ट में ही थे, वहीं पे लंच किए. लंच के बाद हम लोग निकल चुके थे राधानगर बीच के तरफ, जो अराउंड 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में थे. बेसिकली दिस बीच इज़ फेमस फॉर सनसेट, बिकॉज सनसेट के टाइम पे बहुत सुंदर दिखता है. सो हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके थे. बीच से आने के बाद वी आर लुकिंग फॉर सम गुड रेस्टोरेंट एंड वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्ट मी टू विजिट देयर. एंड द एम्बियंस वॉज रियली गुड, एज यू कैन सी इट्स लुक सो एस्थेटिक. एंड यहाँ पे फूड ऑप्शन भी काफ़ी सारा था. जो ओनर है वो पंजाबी है, तो यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ इंडियन फूड ऑप्शन है, एज वेल एज पिज्ज़ा, पास्ता एंड ऑल. सो वहाँ से ही हम लोग डिनर कम्प्लीट करके, वॉकिंग डिस्टेंस ही था हमारा होटल का.
So in the next morning, we have to say bye to Havelock and again go back to the Port Blair. We enjoyed a lot here and must we miss the place. But vacation is over, so we need to go back. So bye. पोर्ट ब्लेयर में आके हम लोग इस बार मेन मार्केट में ही रूम बुक किए थे ताकि शाम को कुछ शॉपिंग कर सके एंड नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग का फ्लाइट था. सो हम लोग ये रूम बहुत ही बजट में भी मिल गया था, 900 रुपीज़ पर रूम को पड़ा था. हम लोग चार थे तो दो रूम लेना पड़ा. आई विल प्रोवाइड यू द फ़ोन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दिस आउट. एंड देन हम लोग शाम को निकल पड़े थे थोड़ा मार्केट घूमने के लिए. बट जाते वक्त हम लोग को एक मंदिर दिखाई दिया जो बहुत ही सुंदर था, यू कैन सी. सो मेरे मम्मी तो बहुत ही खुश हो गए थे देख के. मोस्ट ऑफ द दुकान में आपको बहुत सारा पर्ल ज्वेलरी का ऑप्शन मिल जाएगा एंड द बेस्ट पार्ट इज द कलर ऑफ द पर्ल इज रियली यूनिक. बट यहाँ पे नॉर्थ पे भी जाओ, हम लोग फर्स्ट डे में विजिट किए थे, वहाँ पे अगर आप चाहोगे सबसे चीप वहाँ पे ज्वेलरी मिलता है क्योंकि वहाँ पे GST एप्लीकेबल नहीं है. तो आप लोग जब शॉपिंग के लिए जाओगे वहीं से मोस्ट ऑफ द परचेज कर लेना. मुझे पता नहीं था तो मैं वहीं से भी शॉपिंग किया था एंड यहाँ से भी, बट यहाँ पे प्राइस थोड़ा ज़्यादा था. इन द नेक्स्ट मॉर्निंग वी हैव टू से बाय टू अंडमान. So if I talk about the total budget, we are four people, हम चार का budget total आया था 1.4 lakh के आसपास. For your better understanding and budget plan, I provide this chart. This is not the exact one, but you will get some idea from it. You can take a screenshot from it. अगर आप single person count करते हो 40K average पकड़ के ही आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आने का one and only option है flight. And the other option was cruise, but यहाँ वो बहुत ज़्यादा time taking है, so obviously flight book करना चाहिए. इसके अलावा यहाँ पर food cost थोड़ा high है एंड बाकी 40K में आपका स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ लेके एवरेज हो जाएगा 40-50K विल बी इनफ. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड द होल सीरीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इट विल इंकरेज मी अ लॉट सो आई कैन मेक सच वीडियो फॉर यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. बाय.